मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप महाबलेश्वर विजिट कर रहे हो तो आपको मैप्रो गार्डन क्यों विजिट करना चाहिए। तो मैप्रो एक यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पे आपको काफी चीजें मिल जाती हैं। हम सितंबर के महीने में गए थे यहाँ पर, आपको घुसते ही बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आइसक्रीम खाना मत भूलना क्योंकि बहुत ही ज्यादा लजीज होती है। अंदर आपको एक सुपर मार्केट दिखेगा, यहाँ पे आपको वेरायटी ऑफ बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हनी यहाँ का बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होता है, फेमस भी है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है कि आपको क्या खरीदना है, क्या जरूरत है। वैसे सच बताऊँ ना, ये फालतू का फेमस कर रखा है मैप्रो गार्डन को। इतनी महंगी चीज है ना इन सुपर मार्केट में, मतलब मैंने तो कुछ नहीं लिया। आपकी मर्जी है, आपको लेना है तो लो, क्योंकि बजट फ्रेंडली तो बिल्कुल भी चीजें नहीं है। और कहते हैं कि शुगर वुगर नहीं है इन आइटम्स में, पर मुझे ऐसा पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगता। इनकी पर्सनल खाखरा फैक्ट्री है जो कि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके क्लिप डाली है, तो ये मुझे काफी अच्छी लगी। खाखरा मुझे काफी पसंद है, लेकिन यहाँ पे वही है, ओवर प्राइस चीजें थी तो मैंने तो फिलहाल नहीं लिया। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पे एक पूरा कैंडी जोन था जहाँ पे कैंडीज रिलेटेड गेम्स भी चल रहे थे। तो एक अंकल ने अपनी पूरी टी शर्ट को आंचल बना लिया था और उसमें कैंडीज कलेक्ट कर रहे थे। ये भी कुछ अच्छा गेम था। मैं आइसक्रीम खाने में पूरा बिजी थी। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा खाने चले गए, यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके साथ ही साथ मैंने एक ड्रिंक ली जो बहुत ही ज्यादा शुगरी थी और साथ में उसमें पाइनएप्पल का फ्लेवर था। थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो स्ट्रॉबेरी के खेत दिखेंगे आपको। ये मैप्रो गार्डन के अंदर का पूरा एरिया है जहाँ तो बेसिकली अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो प्लीज गो एंड विजिट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। But if you don't